गिर जाओगे भाई। जी 45 पाकिस्तान इसमें चली गई। जंपी रेलवे स्टेशन से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। 29 सितंबर 2024 और आज आपको लेके आए हैं जंपी रेलवे स्टेशन पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 जंपी रेलवे स्टेशन का, और आज यहाँ पे इसको कवर करने आए और भी हमारे दोस्त हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और मैं तो अभी आया हूँ 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस से। आपने मेरा व्लॉग देखा कि जिस तरह मैं कैब में आया था और यहाँ पे स्पेशली रुका मैं, तो हमारे कुछ दोस्त आए हैं उनके लिए यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत कवर करेंगे। थोड़ा सा टाइम हमें मिला है उसको कवर करने का, कुछ ट्रेन पास होंगी वो आपके सामने होंगी और वीडियो में आपने एंड तक रहना है। ये कुछ जंपी रेलवे स्टेशन के सूरत हाल है, शाम का वक्त हो रहा है और जो लोग हैं वो आ गए हैं यहाँ पे सैर तफरी करने, यहाँ के रहने वाले रहायशी। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और सारे कैबिन्स यानी कि रूम्स बने हुए हैं, सब स्टेशन स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट। इसके अलावा यहाँ की सूरत हाल है, और इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर यहाँ से आप 7 से 6 महीने पीछे चले जाएं तो मैं यहाँ पे आया था, मैंने अपनी रेल फेयरिंग यहीं से स्टार्ट करी थी और हमारे कुछ दोस्त भी थे, उनका व्लॉग है वो मैं अपनी उसमें सबके लिंक डाल दूंगा, जिसमें जो लोग यहाँ पे आए थे उनके साथ मैं था, तो उनकी भी ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। दोस्तों 4:23 पर एक्शन मिल रहा है, फर्स्ट एक्शन जंपी रेलवे स्टेशन पर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस 82-23 की क़यादत में। जी 100+ ले गया 82 चीता इंजन, और भाई मज़ा आ गया। सामने से एक और ट्रेन आ रही है, लाइट्स विजिबल हो गई हैं पर सिग्नल रेड है। सामने एक और ट्रेन आ रही है, तो भाई मैं जो है पीने गया था पानी, और पानी पी के आ गया वापस स्टेशन की तरफ चलते हैं। प्यास बहुत लग रही थी, तो शुक्र है भाई यहाँ पे खाने पीने का थोड़ा सामान है, वरना जंगशाही और मुरादाबाद की तरफ नहीं होता। चलते हैं आगे, स्टेशन भी आसान नहीं है और ट्रेनें भी नज़दीक है, 152 डाउन भी नज़दीक है और 41 अप करा करम भी हमें रोशनी में जो मिलेगी ट्रेन वो 41 है। ये स्टेशन के अंदर एंटर होके बाहर से, और ये सूरत हाल है। दोस्त हमारे दोस्तों एक और एक्शन, 4:40 पर CCM कोल फ्रेट ट्रेन आ रही है NLC, और NLC का नंबर आपको बता दूं, इसको हम ओवरटेक करके आए थे गदर रेलवे स्टेशन पर 45 के पास, और अभी हमें मिल रहा है 97170 आई थिंक इसका नंबर है।
भाई ज़बरदस्त। अब आ रही है 41 अप का रकरम एक्सप्रेस की अप साइड पे, जंपियर का बोर्ड और ये गिरदर हवा इसका। पहले मैं इसको कवर कर चुका हूँ जंपियर रेलवे स्टेशन को, और आज एकदम मौका मिल गया। दोस्तों एक और एक्शन मिल रहा है, कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 अब कराकरम एक्सप्रेस आ रही है और पास थ्रू होगी जंपी रेलवे स्टेशन से। हम स्टेशन को छोड़ के थोड़ा यार्ड में आए और जियो 49023 इसको आई थिंक लीड कर रहा है। भाई ये तो तूफान रफ्तार में गुजर गया, और जो इसको लीड कर रहे थे वो कराची के ड्राइवर थे और उनका नाम मैं भूल गया, उनको मैंने देखा है बैठे हुए चाय पी रहे थे। तो ज़बरदस्त भाई एक्शन था, और ऐसा लग रहा है कोई जहाज़ गुजरा है। अपने दोस्तों से पूछते हैं भाई उनको कैसा एक्शन लगा इसका। चले भाई आखिरी वक्त है, और हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ थे और उनसे हम बहुत महसूस हुए। हमारे साथ उतने पहले मौजूद हैं मोहम्मद अशर साहब फ्रॉम मीरपुर खास। क्या हाल है भाई, पहले से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इन्होंने हमें कहा कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कल तो इनका मैसेज नहीं देखा माजरत, लेकिन आज मैं फ़ौरन देखते ही इनका फिर मैं चला आया। तो आपको पता है रेल फैनिंग के लिए हम कहीं भी पहुँच सकते हैं क्योंकि हम हैं रेल फैन। तो भाई आज का दिन से पूछते हैं कि जंपी रेलवे स्टेशन पर फास्ट ट्रेन एक्शन के मुताबिक कैसा रहा। तो भाई बताएं सबसे पहले गाड़ी आप तो हमसे पहले आए हुए थे, कौन सी गाड़ी फास्ट गुजरी सबसे ज़्यादा फास्ट अभी तक की जो गई है ना, अंदाजे से क्योंकि स्पीड में हमारे पास स्पीड गन नहीं है। अंदाजे से भी, और वैसे मेरे हिसाब से जो सबसे तेज़ स्पीड में जो गई है वो गई है 47 अब रहमान बाबू। उस पर क्या लगा होता है 82 HGM 30 भाई आज ही कह रहे हैं कि भाई काफ़ी गाड़ियों पर HGM 30 था 100, तो यानी कि आज 90% आप यानी किस गाड़ी को क्रेडिट देंगे? रहमान बाबा 47। और लोकोमोटिव HGMU। तो भाई आज इनके ये इन्होंने बताया अपनी राय का इजहार ये कर रहा है कि ये HGM 30 को देंगे क्रेडिट और ट्रेन 47 अब रहमान बाबा। तो बहुत शुक्रिया सर। भाई आज हमारे साथ एक और हमारे दोस्त मौजूद हैं, अली राजपूत साहब फ्रॉम मीरपुर खास। क्या है भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक लगा शुक्रिया भाई। आज का दिन बताएं कैसा रहा आपको लगा? तो भाई आज का दिन बताएं कैसा लगा आपको? गर्मी भी थी काफ़ी, मौसम ह्यूमिड था, तो बताएं भाई कैसा लगा? ट्रेन कौन सी आपको ज़्यादा फास्ट लगी और लोकोमोटिव भी? ये ज़्यादा फास्ट, तकरीबन सभी फास्ट थी जी जी, लेकिन नहीं करो यार, सबसे फास्ट थी, सबसे जो ज़्यादा मज़ा आया वो 47 अब थी। ऐसा लग रहा था कि 82-25 फ्लाइंग बूट था। अच्छा 82-25 लगा हुआ था उस पर, मतलब बहुत ज़बरदस्त था। बाकी ट्रेन भी अच्छी गुजरी हैं अप एंड डाउन की, लेकिन वो बड़ा जोश में था, इसलिए कि आज 90% 82 लगे हुए थे, HGM 30 लगे हुए थे, 90% ट्रेन को लीड कर रहे थे, मतलब बेहतरीन स्पीड, बड़ा ज़बरदस्त एक्शन थे, ये मज़ा आ रहा था फर्स्ट टाइम। यानी अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाई जो वीडियोस में कि भाई Jio 40 बैनर है आज की वीडियोस में, तो यानी आज नहीं आज की वीडियो में तो 82 जीत ले गया, लेकिन ज़बरदस्त स्पीड थी आज उसकी, मतलब फुल पीक पे था समझ ले। चलें बहुत शुक्रिया, बड़ा फिट है माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, ये तो चलें बहुत शुक्रिया सर। आज का दिन मिला के ख़त्म होता है आज के हमारे रेल पेनिंग पे। बहुत ज़बरदस्त दिन रहा, मैंने आपको अपने दोस्तों से मुलाकात करवाई और उनके हाल हवाल और उनकी जो राय थी स्पीड वीक के मतलब वो उन्होंने आपको दी। और मेरी जो राय है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस में उतरा था, तो मेरे अंदाजे से आज जो गाड़ी जीती है
वो 41 अप कराकरम एक्सप्रेस है, क्योंकि मुझे दो या तीन गाड़ियाँ मिली हैं, एक फ्रेट ट्रेन कुछ और कुछ जो है पैसेंजर ट्रेन, में दो ट्रेन शामिल थी जिसमें 48 डाउन और 41 अप। 41 अप कराकरम एक्सप्रेस को मैं आज की वीडियो क्रेडिट दूंगा स्पीड वीक के हवाले से। गाड़ी जो स्पीड से गुजरी थी वो 100 प्लस था और बहुत ज़बरदस्त लेके गया। जियो 40 लगा हुआ था उसकी लीड पे, ड्राइवर साहब बहुत ही दबंग इंसान किस्म के बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे बैठे हुए, तो उन्होंने देखे मुझे हाथ हिलाया लेकिन विसल ना कर पाए। खैर ये तो चलता रहता है। आप महसूस हुए कि नहीं हुए आपने अपनी कमेंट में राय का ज़रूर इजहार करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलें, अल्लाह हाफिज़। 152 डाउन शालदीप एक्सप्रेस, इसमें आज हम जाएंगे कराची। मैं 8217 पावर मैन कितनी अजीब से लगी हुई है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।